अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के करम से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम बना रहे हैं ये आलू के पराठे, और पानी हमने चढ़ा दिए आलू, और बाकी ये सारा मसाला हमने रखा हुआ है। तो अभी ये बनाएंगे, हमने बनानी है, चटनी भी बनानी है तो वो मेरा भाई बनाएगा। हमने सब कुछ ला के रखा हुआ है, इसमें धनिया भी और हरी मिर्ची भी, पुदीना भी, और ये दही है। तो ये हमने सारा कुछ बना के रखा हुआ है। तो आज हम बनाएंगे पंजाबी तरीके से, वो आया पंजाब से, वो ज़रा थोड़ा सा आपको जो वो भी पंजाबी तरीके में बताएगा और बना के भी दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहना भाइयों। ये जनाब मेरी बहन जड़ी है, ये आलू वाले पराठे बनाई सी गई। मैं थोन सारिया मर्चा सारे दाणा की चटनी बना के दिखाई सा जनाब। तो तुसी जनाब इन्हें इंशाल्लाह साढ़े नाल ना रहना है, साड़ी हेल्प करनी है। थोन अच्छा लगे तो तुसी ये करी ना घंटी दबा देनी है, थोड़ी बड़ी मेहरबानी हो सी। साड़ी लाइव करनी है, साढ़े नाल ना रहना है। तो इंशाल्लाह जिस टाइम चटनी छटनी साड़ी अर्श वेख ली सो उदो तुसी भी बना के दिखा है कि भला मजा आता है या नहीं आता। हम लोग ने आज कपड़े धोए हैं, अम्मी लोग ने, अम्मी और मैंने। ये देखे, ये देख। तो जी हम लोग ये बना रहे हैं मसाला। ये हम मिर्ची ऐसे करके छोटी छोटी करके काट लेंगे। प्याज हमने ये कचुम्बर काट लिए, तो इनको हम थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर लेंगे। आप लोगों को सब दिखाते रहें। तो जी इसमें हमने हरी मिर्ची और हरे प्याज और ये दूसरे प्याज भी थोड़े से डाले हैं। इनको हम अब करेंगे थोड़ा सा फ्राई। तो थोड़ा सा इसमें धनिया भी डालते हैं। आलू हमारे उबल चुके हैं, इनको हम उतार लेते हैं नीचे। और आज हम लोगों ने आपको आलू वाले पराठे बनाने बताने, बहुत मज़ेदार हैं। जो हमारा तरीका है, जो हम अपने तरीके से बनाएंगे वो बहुत मज़ेदार बनते हैं, और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे बनाते। ये आलू हमारे उबल चुके हैं। अभी हम आलू डाल दिए। आलू छील के बनाऊंगा पराठे। उधर उसका भाई आलू बना रहा है। तो जी ये हमारा ये तरीकेकार है। तो जी हमारा ये तरीका है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा डाला है ऑयल, तो इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई। इसमें ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी डाल देते हैं। ये इसमें थोड़ी सी मिर्ची, लाल मिर्ची डालेंगे, और हल्दी डाल देंगे, और जी ये साबित, मेरे को फूक का नहीं बगले, ये जी थोड़ा सा साबित धनिया डाल देंगे। हमारा धनिया भी खत्म हो चुका है। ये जी धनिया पाउडर है, ये हम डालेंगे नमक। अभी हम डाल रही है नमक। तो ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये कच्चा ना रह जाए, तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल थोड़ा सा कम है और डालेंगे। ऑयल कम है तो हमने अभी ऑयल और डाल दिए, और बाकी इसमें हम ये डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। ये देखिए जी, मेरे मामू आलू छील रहे हैं और अम्मी यहाँ पे आलू छील के। तो
जी असि हमने आलू छिल के बिच वेख्या कि थोड़ा असं अब बर्था बना के भी खेते आलूआं का अभी हमारा मसाला भून चुका है। अभी हम ये देखे अभी अम्मी आलू डाल रही है तो अभी हम इसको भी फ्राई करेंगे। इसके अंदर ये मिक्स कर लेंगे। ये अभी हम मिक्स कर लेंगे। और बताओ थले होनी बारी है। तो अभी अम्मी आलू मैश कर रही है। मेरे मामू देखे अम्मी के साथ हेल्प करवा रहे हैं तो अभी अम्मी भी आलू छील रही है। अभी अम्मी ने आलू पीस लिए। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है जैसे अम्मी कर रही है। अभी ये थोड़ी देर रखेंगे ये ठंडा हो जाएगा। अभी हम इसको थोड़ी देर रखेंगे ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। फिर हम इसके पराठे हमारे साथ रहिएगा। गो। तो ये जी हमारे पाए हैं। ये हम ये तरीका इनका जो है आसान है। ये हम पाए बनाएंगे सुबह नाश्ते के लिए। हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं उनके लिए ये बनाएंगे और ये तरीका हमें तो अच्छा लगता है। और अब आप लोगों को कैसा लगता है कौन सा आप लोग तरीका बना तो ये तरीका अच्छा है पाए बनाने का। आप लोग भी इसी तरह बनाना ये बहुत आसान तरीका है। ये अभी जलेंगे जल के फिर हम इनको बनाएंगे। अभी मेरा मामू दोरी डंडा धो रहा है। हाँ जी हूँ वेदे रहे अस सारिया मर्चा वे पेने मुड़ वे सारे दाने पिसा आ गए मुड़ वे लून गत्सा आ गए कितनिया गदलिया मर्चा चार एक साल बाद ही बन रहे हैं ना ये थोड़ी बन ये जी मर्चा हैं कुटनियां नो थोड़ा ज्यादा नमक डाल ये नमक जो डाल पाए पाएंगे ना तो आसान तरीका और बुरा माइंड का और माइंड बॉक्स लगी कभी नाज बो सनका नहीं लगती आई पूतना भी पेंदे पे हाँ माड़े बंदे इस गांव इतू आए हैं अपना शामी चटनी चटनी बना के टुकर खा लिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂਡ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਖਾ ਚੜੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਵੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇ ਆਟੋਂ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ आ जी आ मेरे वेख लो मेरी भैन खुरड़े सड़ेंदी पई है ये भी थोड़ा नाज बना के विखाने आ जे कट्टे नहीं होंगे भैंस का बच्चा ये उस दे जनाब लिखाना खुरड़े भी बना के विखीसा है लेप कर सानू सान चंगा करके लेप करया चटनी दी भी बनाईंदी पई है छोरे ए भी विखा ए मेरे भैणां ते मेरे भरावां नूं ते मेरे बजुर्गां नूं
ते मेरे छोटे छोटे नन्ने मुन्ने बच्चियां नू हूँ वेख लियो अस मर्चा कोट लिया दाने भी कोट लैन तो हूँ असं दही उत्तू पेंदे पाया ए जी बन गई चटनी हूँ असं थानू विखाने आलू वाले पराठे भी उस दिहाड़े चल चलाउनी है साडी वीडियो ना मने ए जी हुण वेख लो चटनी बन गई है ये बड़ी मजेदार चटनी बनी है हुण थान आलू वाले पराठे भी खाने तो मोर थान खा के भी खिसा ये देखिए जी अभी हम इसका ये उतारेंगे मामू आज यो ना सपावे लाइन साड़ो ये आज ये खुरड़े नहीं होंगे खुरड़े हो पा बने इन्हें आ छुरी कोल पाई है मेरी बैंड छुरी कोल पाई है तो इसका हम ये जो है उतार लेंगे इसी तरह पेड़े बना लेने छोटे छोटे करके तो ऐसा ही बिल्कुल तो अभी हमें ये दूसरा पेड़ा उठा लिया है रोटी बना के ना तो इसी तरह छोटी सी रोटी बना के तो अभी अभी हमारे साथ रहेगा देखिए अफ्तारी हो चुकी है अभी हमने पराठे शुरू किए तो अभी हम लोगों ने पराठे शुरू किए ऊपर फ्राई पैन चढ़ा दिया अम्मी ने इस तरह बनाने ये देखें इस आप लोगों ने भी बिल्कुल इस तरह बनाने जैसे अम्मी बना रही है और ऐसे बहुत मज़ेदार बनते हैं ये देखें इस तरह दूसरी रोटी को थोड़ा सा बराबर होनी चाहिए बराबर करके तो से ये जी देखें इस तरह तो तभी अम्मी और डालेगी हल्का सा ये देखें ये देखें ये देखें
बिल्कुल इस तरह आप तो करेंगे। अभी इसकी दूसरी साइड उलटाएंगे, अभी इसको उलटाएंगे, मतलब कि दूसरी साइड करेंगे इसको। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा बहुत अच्छा तैयार हुआ है और मज़ेदार है। जिस बहन भाई ने खाना हमारे साथ आके खा सकता है। तो अभी हम इसको उतार लेंगे। ये देखें, ये देखिए कितना प्यारा बना है। ये देखिए इधर लो, यहीं पी के दियो। जी हमारे ये पराठे और ये चटनी बिल्कुल हो गई है तैयार, और अभी इफ्तारी हो चुकी है। अभी सबको ये कर देते हैं, ये सब खाते हैं और हमारे पराठे हो गए तैयार इंशाल्लाह। और अगर ये आप लोगों को हमारे पराठे अच्छे लगे हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को